राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर। एनपीआर को लेकर गृह मंत्रालय की आज अहम बैठक दिल्ली में हो रही है। इस बैठक में सभी राज्य के मुख्य सचिवों और जनगणना निदेशकों को बुलाया गया है। इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय वहां पर मौजूद रहेंगे। बैठक में पश्चिम बंगाल सरकार का कोई भी प्रतिनिधि हिस्सा नहीं लेगा। गृह मंत्रालय के मुताबिक बैठक में जनगणना के पहले चरण में मकानों की गणना और इसके साथ साथ एनपीआर के लिए आंकड़े जुटाने के तौर तरीकों के बारे में चर्चा की जाएगी। पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य सभी राज्यों ने बताया है कि उनके अधिकारी बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने 17 जनवरी को एनपीआर पर बैठक बुलाई है। मैं नहीं जाऊंगी और ना ही मेरी सरकार का कोई प्रतिनिधि उस बैठक में शामिल होगा। अगर मैं शामिल हुई तो यहाँ कोलकाता में एक व्यक्ति जो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है वह कह सकता है कि वो मेरी सरकार को बर्खास्त कर रहे हैं। वह ऐसा कर सकते हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन मैं CAA और NPR NRC को अनुमति नहीं दूंगी। ममता बनर्जी के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था, अगर कोई 6 महीने से रह रहा है और अवैध प्रवासी है तो अपने बारे में जानकारी देने में क्या दिक्कत है? क्या आप अपने देश की सीमाएं हर किसी के लिए खोल देना चाहते हैं? NPR पहले भी लागू हुआ था और दोबारा लागू होगा। अब इन सभी बयानों को अलग हटाते हुए अगर हम मुद्दे पर आएं तो मुद्दा ये है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की गृह मंत्रालय में एक अहम बैठक है। इस अहम बैठक में क्या फैसला लिया जाएगा, क्या जनता को सोच के क्या कुछ नए बदलाव किए जाएंगे, ये देखना बाकी है। आपको क्या लगता है NPR में जो भी अहम बैठक की जा रही है उसको लेकर क्या कुछ सही बदलाव होता हुआ दिखाई देगा या यूं ही जनता पर मुसीबतों के बादल मंडराते रहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं क्या सोचते हैं आप, और देखते रहें SPN 9 न्यूज़।